जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे नींबू की खट्टी मीठी और चटपटी चटनी। इसके लिए मैंने 1 किलो नींबू लिए हैं और ये नींबू में यदि थोड़े बहुत दाग हैं तो उन्हें इस तरह चाकू की सहायता से निकाल लें। नींबू को कट कर लें और इसके बीज अलग निकाल कर इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। ये सभी नींबू हमने इस तरह से काट लिए हैं और इनके बीज अलग कर लिए हैं। अब इन्हें मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लेंगे। इसे हम दरदरा पीसेंगे, इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है। सभी नींबू को हमने पीस लिया है। इसे नॉन स्टिक या स्टील की कढ़ाई में डालकर पकाएंगे और ये पल्प 3 कप है और इसमें हम लगभग 1.5 kg चीनी डालेंगे। कप से यह 4 कप चीनी है। चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे। ये चटनी डाइजेस्टिव है और विटामिन सी से भरपूर है, पेट और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। चीनी अच्छे से घुल गई है लेकिन अभी इसे थोड़ा और पकाएंगे। इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। सारे मसाले इस चम्मच से मिक्स करेंगे। 2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 2 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट और पका लिया है। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करके 2 मिनट और पका लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। इस तरह से आप भी नींबू की खट्टी मीठी चटपटी पाचक चटनी बनाइए, खाइए और खिलाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चटनी ठंडी होने पर गाढ़ी हो जाती है। अब इसे एक साफ और सूखी हुई बरनी में भरकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये चटनी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।